बिहार में शुरू हुई हिंदू जागो स्वाभिमान यात्रा। बिहार के भागलपुर से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू जागो स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ हुआ। भागलपुर से चलकर कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया में 22 अक्टूबर को खत्म होगा हिंदू जागो स्वाभिमान को। यात्रा की शुभारंभ होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। एक तरफ गिरिराज सिंह का बयान आया है, कई हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए हिंदू जागो स्वाभिमान यात्रा कर अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हो रहे देश में हिंदुओं को कट्टरपंथी संगठन बचने और एकत्रित होने का आह्वान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में हलचल मच गई है और विपक्षी पार्टियों की टिप्पणी आना शुरू हो गई है। एक तरफ गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर विपक्षी पार्टी चुनाव के हवाला देकर माहौल बिगाड़ने की बात कह रही है। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने कहा, पहले हिंदू, इसके बाद पार्टी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा से ना तो बीजेपी पार्टी से लेना देना है, ना ही जदयू से। वहीं देखा जाए तो स्वामी दीपांकर महाराज ने भी सभा को संबोधित करते हुए हिंदू समाज को जागरूक होने की बात कही है। वहीं राजद सुप्रीम तेजस्वी यादव ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को गिरिराज सिंह पर निशाना साधते हुए माहौल खराब करने, भाईचारे को बीच दरार डालने का भी आरोप लगाया है। जाग चुका है कौन? तो आप कहेंगे हिंदू। अब जागना होगा। कोई भूख मिलाकर रोटी देता है क्या? यहाँ से सबसे बड़ा बाबा का धाम है, जहाँ से बैजनाथ तक की यात्रा तय होती है। ब्रज चिकित्सा संस्थान मथुरा आपकी सेवा में सदैव तत्पर, जहां मिलेंगे आपको जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सागर मित्तल, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ बंसल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नम्रता सिंह एवं डॉक्टर नेहा गर्ग, नाक कान एवं गला रोग सर्जन डॉक्टर अभिषेक जोशी, सामान्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गोयल, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हिना गुप्ता, प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं बचपन विशेषज्ञ डॉक्टर एकता थदानी सिंह, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी मंगला एवं डॉक्टर दीक्षा अग्रवाल, त्वचा एवं केश रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर यतीन्द्र कुमार।